दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, जियो और भारतीय एयरटेल को टक्कर देने के लिए वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने एक नई स्ट्रेटेजी बना ली दोस्तों, अपने एआरपीयू को बढ़ाने के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर दोस्तों, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए यहां पे एक नया रास्ता निकालने की प्लानिंग में दोस्तों वोडाफोन आइडिया, और यहां पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करके दोस्तों स्मार्टफोन, दोस्तों नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया, जिसकी कीमत हो सकती है दोस्तों यहां पे ऑलमोस्ट 3,999, जहां पे सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा वोडाफोन आइडिया की तरफ से। दोस्तों क्या न्यूज़ है, कहां से आई और क्या है दोस्तों इसकी सच्चाई, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल भारत के अंदर चाइनीज कंपनियों का बोलबाला है, चाइनीज कंपनी सस्ते में सस्ते स्मार्टफोन मार्केट में देती है, हालांकि चाइना को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, लेकिन इसकी तैयारी हमारी भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने, टेलीकॉम शेयरों ने दोस्तों कर ली। जियो सबसे पहले आया, जियो ने बोला कि मैं ऑलमोस्ट 20 करोड़ स्मार्टफोन सस्ते बजट में दोस्तों बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 3,500-4,000 के अंदर आपको जियो का स्मार्टफोन मिलेगा, जहां पे गूगल का दोस्तों सपोर्ट मिलेगा, क्वालकॉम का चिपसेट मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी, और सबसे सस्ते रेट में आपको मैं बंडल पैकेज के अंदर दूंगा। उसके बाद दोस्तों शाओमी ओप्पो वीवो उड़ जाएंगे, उसके बाद एयरटेल भी दोस्तों ऐसा ही कुछ लेके, और एयरटेल भी दोस्तों ऐसी बातें चल रही कि एयरटेल भी बहुत जल्द अपना दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, कुछ इसी तरह से बंडल ऑफर आपको मिलेगा, जहां पे एयरटेल का सिम चलेगा, पूरा पैकेज आपको मिलेगा, जहां पे स्मार्टफोन आपको सस्ता रेट में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज सबसे बड़ी अपडेट निकल गई कि वोडाफोन आइडिया वीआई ने दोस्तों अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली, जहां पे अपने एआरपीयू को बढ़ाने के लिए अब यहां पे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ दोस्तों ओईएम के साथ यहां पे बात कर रहा है, बहुत जल्द अपने स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर सकता है। दोस्तों कहां से न्यूज़ आई देख सकते हैं स्क्रीन पे, दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे वोडाफोन आइडिया सीक्स टू हाई एआरपीयू यूजर्स वाया हैंडसेट पार्टनरशिप, दोस्तों बता सकते हैं यहां पे हैंडसेट पार्टनरशिप करेगा दोस्तों, यहां पे स्मार्टफोन के साथ दोस्तों पार्टनरशिप करेगा, और यहां पे अच्छे खासे सस्ते टिकाऊ फोन आपको यहां पे मिल सकते हैं दोस्तों। वोडाफोन आइडिया न्यू रीब्रांडिंग एज वीआई सेड दैट इट इज प्लान टू स्केल अप द प्रोपोर्शन ऑफ द एआरपीयू सब्सक्राइब ऑन इट्स नेटवर्क्स थ्रू द फोकस 4G डिवाइस एजेंडा, दोस्तों इनका एक नया एजेंडा दोस्तों, 4G डिवाइसेस बनेंगे यहां पे, सस्ते टिकाऊ फोन यहां पे आएंगे, कंपनियों से टाई अप किया जाएगा, और अच्छे खासे दोस्तों बंडल ऑफर दिए जाएंगे, जिससे इनका एआरपीयू यहां पे बढ़े, जो ऑलमोस्ट दोस्तों यहां पे 103-104 में घूम रहा है, उसको 150-200 रुपए ले जाने की प्लानिंग है, जिससे इनका एआरपीयू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो कर्ज भी आसानी से चुका सकेंगे। फ्रेंड्स ये बता रहे विच विल बी द एनेबल द पार्टनरशिप विद द हैंडसेट मेकर्स ओईएम जो है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी, दोस्तों यहां पे जो कंपनीज है बैंक्स इन सभी से टाई अप किया जाएगा, और मैन्युफैक्चरर जो है फोन बनाने वाली कंपनी इनसे टाई अप किया जाएगा, और उनके हिसाब से सस्ते टिकाऊ फोन पार्टनरशिप के अंदर लॉन्च किए जाएंगे वोडाफोन आइडिया यानी वीआई की तरफ से। द टेलको सेड द स्ट्रांग माइक्रो ग्रोथ ड्राइवर्स सच एज ग्रोथ इन डेटा कंजप्शन एंड स्मार्टफोन एडॉप्शन विल बी हेल्प टू ड्राइव एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, दोस्तों बता जा रहा है कि यहां पे डेटा का कंजप्शन बहुत ज्यादा जैसे होगा, ज्यादा डेटा बढ़ेगा तो हम यहां पे कमाएंगे, और स्मार्टफोन दोस्तों कंजप्शन अगर बढ़ता है, लोग नए फोन लेते हैं, तो हमें यहां पे अच्छी खासी इनकम मिलेगी, और हमें दोस्तों यहां पे हमारा एआरपी बढ़ाने में यहां पे आसानी मिलेगी। इन इट्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दोस्तों प्रेजेंटेशन दी थी दोस्तों इन्वेस्टर्स को यहां पे, द टेलको सेड द इन्वेस्टमेंट्स आर फोकस्ड ऑन 16 सर्कल्स इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस इन द प्रायोरिटी मार्केट्स एज इन एक्सपेंड 4G कवरेज कैपेसिटी एनहांस कस्टमर्स एक्सपीरियंस, दोस्तों यहां पे इनके 16 टावर्स ऐसे हैं, पहले दोस्तों ने क्लियर कर दिया कि हमारे 16 ऐसे सर्कल्स हैं वोडाफोन आइडिया के, जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्टली 80% जो रेवेन्यू इन 16 सर्कल्स पे से आता है, तो इन 16 सर्कल पे हम फोकस करेंगे, जहां से हम हमारा रेवेन्यू बढ़ा सकेंगे, और यहां पे हमारी 4G को एनहांस करेंगे, हम यहां पे हमारी कवरेज को एनहांस करने वाले हैं। इट्स एट द डिप्लोइंग द एरी कुछ नई नई टेक्नोलॉजी दोस्तों डिप्लॉय करने वाले हैं यहां पे ऑफ द 5G कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाउडफिकेशन ऑफ कोर DSR मैसी मीमो ओपन रैन, दोस्तों ये सारी नई नई टेक्नोलॉजी को दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया डिप्लॉय करने वाले हैं 16 सेक्टर्स के अंदर। इसका मतलब यहां पे आपको नेटवर्क तो अच्छे मिलेंगे लेकिन दोस्तों यहां पे इनका प्रोस्पेक्टिव है कि ज्यादा डेटा लोग यूज करें तो इनको ज्यादा प्रॉफिट, और यहां पे 4G स्मार्टफोन दोस्तों बजट स्मार्टफोन लाने की प्लानिंग में यहां पे वोडाफोन आइडिया है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया जो है यहां पे भी बहुत जल्द यहां पे अपने काम करने वाला बता रहा है कि 4G कवरेज जो है दोस्तों प्रायोरिटी सर्कल जो है 16 सर्कल देंगे, यहां पे 4G कवरेज को हम बढ़ाएंगे, और 83% जो था दोस्तों यहां पे मार्च 2020 तक उसको यहां पे 90% तक यहां पे मार्च 2020 तक आने वाले 2 साल के अंदर यहां पे उसको 90% तक लेके जाएंगे, हमारे 4G कवरेज को अच्छी खासी दोस्तों पेनिट्रेशन यहां पे बढ़ाने वाले। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है कि रीफार्मिंग करेंगे 900 मेगाहर्ट्ज का दोस्तों स्पेक्ट्रम जो था 4G वाला उसको हम और रीफार्मिंग करके और यहां पे दुरुस्त करने वाले। उसके साथ साथ जो हमारे यहां पे 2100 मेगाहर्ट्ज का जो 4G का था दोस्तों यहां पे, तो 3G को बंद करके दोस्तों हम 4G को यहां पे करेंगे, कुछ कुछ सर्कल में 3G जो चल रहा है उसको बंद करके उसको 4G में अपग्रेड करने की बात भी यहां पे चल रही है। इसका मतलब दोस्तों यहां पे अपने नेटवर्क को तो रीफार्मिंग
करके शुरू करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज निकल के आई है OEM, लोकल OEM जो है दोस्तों स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, इनके साथ टाई अप करके यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। आप जो प्राइसिंग दोस्तों हो सकती है सोर्सेस की बात माने तो 3,000 से लेकर 4,000 ऑलमोस्ट 3,999 एक अच्छा फिगर हो सकता है दोस्तों। 4,000 से लेकर 5,000 मैक्सिमम तक आपको एक अच्छा खासा स्मार्टफोन मिलेगा विथ दोस्तों वोडाफोन आइडिया की एक बंडल ऑफर के साथ, जहां पे वोडाफोन आइडिया आपको अच्छे डेटा, अच्छे प्लान, अच्छा कॉलिंग सब कुछ देगा, उसके साथ साथ एक अच्छा स्मार्टफोन भी देगा। तो दोस्तों ये थी तगड़ी खबर जो आई थी यहां पे वोडाफोन आइडिया VI की तरफ से, कि एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क्स को तो बूम करने ही वाला है नाले कुछ सालों में, लेकिन उसके साथ साथ नए स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन बहुत ही सस्ते रेट में बंडल पैक के साथ आपके लिए लेके आने वाला फ्रेंड्स। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया को कौन से स्मार्टफोन लाने चाहिए, क्या प्राइसिंग दोस्तों रखना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, लेफ्ट में चला गया पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखिएगा उसको सब्सक्राइब का बटन बोलता है उसको दबा दोगे तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।